What's up everyone, this is Deepak Sigohil. This is Taruna Sigohil. And welcome to Being the Fittest. आज के वीडियो में करने वाले हैं कंप्लीट एब्स वर्कआउट, 6 एक्सरसाइज करेंगे जो कि मोस्ट बेसिक एक्सरसाइज है लेकिन साथ ही साथ मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है। साइंस है, उसने भी यह प्रूव कर दिया है कि यह जो 6 एक्सरसाइज है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है एब्स मसल को ट्रेन करने में, कोर को ट्रेन करने में। चलिए शुरुआत करते हैं वार्म अप से। दोनों हाथ को आगे की ओर 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5, पीछे की ओर 1, 2, 3, 4 एंड 5, एल्बो सर्कल। अगर आपने एक्सरसाइज कर ली है और उसके बाद एब्स वर्कआउट कर रहे हो रिवर्स, तो वार्म अप करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एब्स वर्कआउट कर सकते हो साइड बेंडिंग। सिर्फ एब्स ट्रेनिंग कर रहे हो तो यह वार्म अप करना जरूरी है, चेंज साइड, ताकि आपका बॉडी अच्छे से गर्म हो जाए, मसल्स जो है वो लूज हो जाए, जॉइंट्स लुब्रिकेट हो जाए, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए। बैकवर्ड बेंडिंग 1, 2, 3, 4 एंड 5, फॉरवर्ड बेंडिंग 10 times, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ट्विस्टिंग 1, 2, 3, 4 एंड 5, हिप रोटेशन 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉक 1, 2, 3, 4 एंड 5, नी रोटेशन 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉक 1, 2, 3, 4 एंड 5, काफ रेज 1, 2, 3, 4 एंड 5, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, साइड रेज 1, 2, 3, 4 एंड 5, प्रेस 1, 2, 3, 4 एंड 5, फ्रंट रेजिस 1, 2, 3, 4 एंड 5, फ्लाई 1, 2, 3, 4, 5, स्ट्रक्स फॉरवर्ड 1, 2, 3, 4 एंड 5, पीछे की ओर 1, 2, 3, 4, ऊपर की ओर 1, 2, 3, 4, 5, नेक अप डाउन 3, 2 एंड 1, साइड टू साइड 1, 2, 3, अपने आसपास 1, 2 एंड 3, रोटेशन 1, 2 एंड 3, एंटी क्लॉक 1, 2 एंड 3, थोड़ा सा लाइट जॉक करेंगे। गुड, कीप ब्रीदिंग, थोड़ा सा नी ऊपर उठाएंगे अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो जंप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ट्विस्ट जंप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 3, 2, जंपिंग जैक गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, सुपर। शुरुआत करते हैं एब्स वर्कआउट, टोटल करने वाले हैं हम 6 एक्सरसाइज। तरुणा सिंह गोहिल जो है वो आपको थोड़ा इजियर ऑप्शन दिखाने वाले हैं, बराबर। अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप वो इजियर ऑप्शन को परफॉर्म कीजिए, और मोर एडवांस वर्जन के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो हर एक्सरसाइज का हम 10 रैप्स करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहला ऑब्लिक क्रंच से, ठीक है। एक वेरिएशन आप देख लीजिए, इस तरह से हम करेंगे, हाथ को इस तरह से रखेंगे हम और डायगोनली जाएंगे हम, 45 डिग्री एंगल पर जाएंगे, ब्रीद आउट और इस तरह से, सीधा नहीं है ना, ये आगे नहीं जाएगा, क्रॉस में जाएगा, 45 डिग्री एंगल पे जाएगा, ताकि आपके जो ऑब्लिक के मसल्स है वो वहां पर टारगेट हो। और एक रैप, ब्रीद आउट, मोमेंटरली होल्ड और उसके बाद नीचे, ठीक है, उसी तरह से दूसरी साइड से करेंगे, और थोड़ा सा एडवांस बनाना है तो वही चीज है, सिर्फ थोड़ा सा बॉडी को टिल्ट करके आप कर सकते हो। अगर आपने पहले नहीं किया है तो आप इस वर्जन को ट्राई कीजिए, और फिर धीरे 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 आप जैसे ट्रेनिंग करते जाते हो, फिर ये वाला जो वर्जन मैं आपको दिखा रहा हूं उसे ट्राई कीजिए। चलिए शुरुआत करें, यस। चलिए सबसे पहला करेंगे हम ऑब्लिक क्रंच, ठीक है, ब्रीद आउट, सीलिंग की ओर जाना है, ब्रीद आउट सीलिंग की ओर, क्रॉस में, गुड, स्लोली डाउन 2, होल्ड करो मोमेंटरली, धीरे से नीचे आ जाना है 3, ब्रीद आउट, होल्ड, गुड, यूज योर ऑब्लिक मसल्स टू गो अप 4, ऑब्लिक मसल से नीचे आओ, ऑब्लिक छोड़ नहीं देना है बॉडी को 5, ब्रीद आउट, होल्ड एट द टॉप,
धीरे से ऑब्लिक मसल का यूज करके आओ, छ, बहुत बढ़िया, चार, धीरे से तीन, ब्रीद आउट, सांस बाहर निकालो और ऊपर जाओ, धीरे से नीचे, पहले सांस निकालो फिर ऊपर, सांस निकालो धीरे से नीचे, यूज ऑब्लिक मसल्स, लास्ट वन रैप, धीरे से नीचे। अब उसी तरह से हम करेंगे दूसरी साइड में, चलिए गुड, ब्रीद आउट सीलिंग की ओर, धीरे से नीचे, टू, धीरे से नीचे, थ्री, धीरे से नीचे, चार, होल्ड, पीक कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करो, धीरे से नीचे आओ, पांच, छह, धीरे से, चार, यूज ऑब्लिक, ऑब्लिक, धीरे से नीचे, तीन, ऑब्लिक मसल्स, धीरे से नीचे, यूज योर ऑब्लिक, धीरे से नीचे, लास्ट वन, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ रहा है, मसल वर्क कर रहा है, यस, माइंड मसल कनेक्शन बहुत ही जरूरी है, मतलब कि आप जिस मसल से वर्क कर रहे हो उसी मसल से आपका बॉडी है वो लिफ्ट होना चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज करने वाले हैं क्रंचीज, अगेन हम दो वेरिएशन दिखाएंगे, चलिए। नंबर वन वेरिएशन है कि आपके जो दोनों हाथ है उठाकर आपके नी के पास में रख दीजिए, अब ब्रीद आउट करना है और ये हाथ को ऊपर की ओर लाना है, चलिए सी द डिफरेंस, राइट, धीरे से नीचे जाइए, टू, और धीरे से आपके एब्स मसल को यूज करते हुए आना है, इसको यूज करके ऊपर आना है और इसी मसल को यूज करके नीचे जाना है, ठीक है, चलिए। और अगर एडवांस वर्जन करना है, देख लीजिए, आपके हाथ पीछे रखना है इस तरह से, यहां से ब्रीद आउट, ऊपर, धीरे से नीचे, हाथ को हिलाना नहीं है, हाथ बिल्कुल फिक्स रहेंगे, चलिए शुरू करें, यस, चलिए, वन, ब्रीद आउट, सांस बाहर, ऊपर होल्ड करो, धीरे से नीचे आओ, सिर्फ 10 रैप करना है, टू, होल्ड, धीरे से नीचे, थ्री, ब्रीद आउट, धीरे से नीचे, चार, स्लो 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 स्लो, पांच, फील द बर्न, मसल्स में हो रहे बर्न को फील कीजिए, पांच, छह, सात, होल्ड एट द पीक, नौ, होल्ड, लास्ट रैप, ब्रीद आउट, होल्ड होल्ड होल्ड, जल गया जितना स्लो करोगे मसल को एंगेज करोगे उतनी ही ज्यादा इफेक्ट आएगी। रिवर्स क्रंच, बढ़िया, यहां से लगा लिया दोनों साइड से, यहां से लगा लिया, अब रिवर्स से लगाएंगे, मतलब कि पूरी बैंड बजाएंगे, चलिए लेग्स दोनों उठाकर इस तरह से ऊपर लेना है, यहां से ब्रीद आउट, धीरे से नीचे। आप कहोगे कि इसमें इजियर वर्जन कौन सा है, तो इजियर वर्जन ये है कि जब आप इससे उठा रहे हो, लिफ्ट कीजिए, ठीक है, तो आपके नी है वो चेस्ट की तरफ जाएंगे। मोर एडवांस वर्जन करना है, हो सके उतना जो आपका नी है वो चेस्ट की तरफ मत ले जाओ, हवा में ले जाओ, करिए ब्रीद आउट इस तरह से, धीरे से नीचे, और एक और एक और एक और एक इस तरह से, ठीक है, चलिए। आप इस नी को चेस्ट की तरफ ले जाएंगे और मैं जो करने वाला हूं उसमें मैं नी जो है उसको, नी जॉइंट को फिक्स करूंगा और जो पेल्विक है उससे मैं टिल्ट करूंगा ताकि जो हमारे एब्स के मसल थे वो रिवर्स साइड से कॉन्ट्रैक्ट हो। चलिए शुरू करते हैं, वन, ब्रीद आउट, धीरे से धीरे से धीरे से, टू, ब्रीद आउट, लिफ्ट, अब धीरे से लेके जाओ, जल्दबाजी मत करो, तीन, स्लो स्लो एंड स्लो, चार, ब्रीद आउट, धीरे 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 धीरे, क्या बात है, पांच, स्लो, छह, स्लोली, सात, यस, तीन और करना है, कम ऑन, सुपर, बहुत बढ़िया, टू मोर रैप, ब्रीद आउट, वन मोर, वन मोर, वन मोर, वन, कम ऑन, कम ऑन, वन मोर, क्या लग गई। फोर्थ है
सुपर ह्यूमन, सुपरमैन कहते हैं, लेकिन अब वुमन करेंगे तो क्या कहेंगे? तो इसलिए हम उसे सुपर ह्यूमन कहेंगे। चलिए देख लीजिए, दोनों पंजे हैं वो खींचे हुए, टोस पॉइंटेड, नी को स्ट्रेट रखना है, यहां पर एल्बो जॉइंट को स्ट्रेट रखना है। ब्रीद आउट एंड अप, यस। आपका हेड नीचे रहेगा जमीन की ओर, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, रिलैक्स। टू, ब्रीद आउट, लिफ्ट एंड स्लोली डाउन, ये करना है, ठीक है। चलिए इसमें आपको मैं एक वेरिएशन दिखाता हूं। दोनों हाथ को आप यहां पर रख सकते हो, यहां से आपके बैक के मसल्स को, हिप के मसल्स को, काफ, हैमस्ट्रिंग, सारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी को लिफ्ट करना है, लाइक दिस। वन, देख लीजिए, पहले कॉन्ट्रैक्ट और फिर नीचे धीरे से आना है। चलिए शुरू करेंगे, रेडी गो। वन, स्क्वीज, धीरे से नीचे लेके आओ। टू, ब्रीथ आउट, होल्ड, धीरे से नीचे लेके आओ। थ्री, नीचे। चार, स्लोली डाउन। पांच, धीरे से नीचे। छह, नीचे। सात, धीरे। आठ, धीरे से नीचे। नौ, धीरे से नीचे। टेन, होल्ड 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 होल्ड, धीरे से नीचे, वही मसल से, यस। आपने देखा होगा, हमने किसी भी रैप में बॉडी को ढीला नहीं छोड़ दिया है। जिस मसल से बॉडी को लिफ्ट किया है, उसी मसल को पकड़ के धीरे से बॉडी को नीचे लाया है, तभी सही मायने में उस मसल को एक्सरसाइज मिलेगी। और इसी को कहते हैं माइंड मसल कनेक्शन, इसी को कहते हैं कंट्रोल्ड रैप, इसी को कहते हैं इफेक्टिव वर्कआउट। चलिए अब करते हैं साइड प्लैंक। साइड प्लैंक में भी अगेन आपको दो वेरिएशन मिलने वाले हैं। एक है रेगुलर साइड प्लैंक, जो एल्बो पर आप करोगे साइड प्लैंक, लेग्स को इस तरह से आप स्प्लिट कर लीजिए, थोड़ा आसान रहेगा। ब्रीद आउट और बॉडी को लिफ्ट कर लीजिए इस तरह से, रिलैक्स। एडवांस वर्जन के लिए मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह से ले लीजिए, गुड। यहां पर हाथ आप चाहो तो ऊपर ले सकते हो। एडवांस वर्जन के लिए एक लेग को ऊपर उठा लीजिए, हम होल्ड करेंगे 25-30 सेकंड के लिए, ठीक है, रेडी। मुझे पता है ज्यादातर लोग यही ट्राई करेंगे, ये ट्राई नहीं करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे राइट साइड से, तो मैं यहां से करता हूं। रेडी, थ्री टू एंड वन, 30 सेकंड के लिए आ जाइए। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। कीप ब्रीदिंग, अपनी सांसों पर ध्यान। कम ऑन, लास्ट 10 सेकंड टू गो। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड स्लोली आ जाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे दूसरी तरफ, इस तरफ, यस। रेडी, थ्री टू एंड वन, आ जाओ, सुपर। कीप ब्रीदिंग, कीप टाइट, फैंटास्टिक। 30 सेकंड के लिए लास्ट एक्सरसाइज है। कीप ब्रीदिंग, अपना बेस्ट देना है। कीप ब्रीदिंग, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। लास्ट 5 सेकंड टू गो, 4, 3, 2 सुपर। नेक्स्ट करने वाले हैं हम प्लैंक। चलिए प्लैंक इजियर ऑप्शन, आपको जो हम रेगुलर एल्बो प्लैंक करते हैं वो करना है, यस। इस तरह से आपका एल्बो जॉइंट शोल्डर जॉइंट के नीचे, नी आपके बिल्कुल स्ट्रेट, और इस तरह से करेंगे हम, ठीक है, रिलैक्स। अगर आपको उसको चैलेंजिंग बनाना है, एडवांस बनाना है, तो प्लैंक पोजिशन आ जाइए इस तरह से। प्लैंक पोजिशन, यहां से आप ब्रीद आउट, एक एल्बो ऊपर, डाउन, चेंज,
वन टू थ्री एंड डाउन, इस तरह से हम करेंगे। दोनों वर्जन हम करने वाले हैं। इजियर वर्जन के लिए आप तरुणा सिंह गोहिल को फॉलो कीजिए, थोड़ा एडवांस बनाना है तो मुझे फॉलो कीजिए। चलिए करते हैं प्लैंक। कितना करेंगे हम? 30 सेकंड के लिए प्लैंक करते हैं। आप कहोगे 30 सेकंड तो बहुत आसान है, तो मुझे फॉलो कीजिए। चलिए टाइमर को सेट कर लेता हूं मैं 30 सेकंड के लिए। आ जाइए, प्लैंक पोजिशन बना लीजिए, 3, 2 एंड 1। ठीक है, चलिए टाइमर शुरू। गुड, 1, 2 एंड 3 एंड चेंज। आपकी बैक को न्यूट्रल रखना अगर आप एडवांस वर्जन ट्राई कर रहे हो तो। बढ़िया बढ़िया, विथ योर लेफ्ट हैंड, सुपर सुपर। एक लास्ट 5 सेकंड और, पर क्या बात है, धीरे से नीचे आ जाएंगे। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट एब्स वर्कआउट एट होम। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे एक लाइक दे दीजिएगा। बहुत से लोग आज भी ये मानते हैं कि पेट की एक्सरसाइज करने से पेट के एरिया का जो फैट है वो चला जाता है। बहुत से लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे हैं कि खाली पेट में फैट जमा हो रहा है तो कैसे कम करें। तो मेहरबानी करके इस माइंडसेट से बाहर निकल जाइए, क्योंकि स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि हाथ की एक्सरसाइज करने के, आर्म्स की एक्सरसाइज करने से हाथ के एरिया का फैट चला जाएगा, पेट की एरिया का फैट चला जाएगा, इस बात में कोई दम नहीं है। साइंस ने ये प्रूव कर लिया है। सो प्लीज इस तरह की एक्सरसाइज करके वहां का फैट लूज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है। ऊपर से आपको और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, मसल इंबैलेंस हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता है कैसे खाना है, क्या खाना है, तो हमारा वेट लॉस डाइट प्लान वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपको सही मायने में फिट बनना है तो हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, एंड्यूरेंस के लिए, गुड बॉडी कंपोजिशन के लिए, बैलेंस के लिए, ये सारे जो फिटनेस के पहलू है, फिटनेस के पिलर है, उस पर काम करना है, तभी आप सही मायने में फिट बन पाओगे। अदरवाइज बाहर से तो आप फिट दिखोगे लेकिन अंदर से फिट नहीं होगे। आप ना दौड़ पाओगे, आप ना कूद पाओगे, और ना ही आप स्टेयर्स जो चढ़ना है, 4-5 फ्लोर चढ़ना है, तो वो सब कर पाओगे। इसलिए सही मायने में फिट बनना है, और इसके लिए सही तरह से कसरत करना है, सही तरह से एक्सरसाइज करना है, सही तरह से खाना है, और सही तरह की लाइफस्टाइल है उसे अपनाना है। आशा रखते हैं आज की जो हमारी फिटनेस टिप्स है वो आपको जरूर हेल्प करेगी आपको हेल्दी और फिट बनने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन Being the fittest.